तुर्की के वापस अपने जो भी वो 2023 में, उसमें मुसलमान ममालिक में कोई ऐसे भी होंगे जो चाहेंगे कि तुर्की बस जहां पर है वहीं पर है, उससे ऊपर ना उठ सके? इससे भी आगे चले जाएं, उससे गिराने वाले भी होंगे, इससे भी पीछे चला जाए। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मेरी राय यह है कि जो 58 इस्लामी मुल्क हैं जिनकी तंजीम को OIC के नाम से कहा जाता है, 58 मुल्कों की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि सिर्फ चंद 4-5 मुल्क ऐसे हैं। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त अफगानों से ज़्यादा गोरिल्ला और ज़मीनी जंग की तजर्बाकार फौज दुनिया में मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया में 3 नस्लों से वो लोग हालत जंग में हैं। एटॉमिक एसेट्स सिर्फ पाकिस्तान के पास है पूरी दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में। इकोनॉमिक पॉलिसी देखें तो मलेशिया ही वाहिद मुस्लिम कंट्री है जिसने अपनी ग्रोथ करके दिखा दी है। विजन देखें तो सिर्फ तुर्कों का विजन है इस वक्त जो उम्मत की बात कर रहे हैं। मादनी वसाइल की मौजूदा दौलत देखें तो सबसे ज़्यादा अरब ममालिक के पास है। ये सिर्फ अफगानों की शुजात, पाकिस्तानियों के एटमी सासे, मलेशिया की जो है इकोनॉमिक विजन, अरबों की दौलत, तुर्कों का विजन, अगर ये 5 इकट्ठे हो जाएं तो यकीन मानिए पूरी दुनिया हमारी, आपके झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। मगर बात वही जो ये बता रहे थे कि हमें जहन साजी करनी होगी। अगर हमारे सऊदीया के साथ इख्तलाफात हैं, उनके अंदर जो खौफ है, अगर किसी किस्म के कोई रिजर्वेशंस हैं, तो जिस तरीके से कम्युनिकेशन के जरिए चीज़ों को दूर किया जाता है, अगर वो दोनों आपस में नहीं मिल रहे तो मुझे जाना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, मलेशिया को जाना चाहिए। जब तक हम सब हाथों में हाथ नहीं देंगे, बात असीमु बेबल्ला जमिया वाला तफरकू, हमें इसकी अमली मिसाल बनना होगा। ये करेंगे, ये 5 मुल्क यकीन मानिए मिल जाएं तो अमरीका, बरतानिया, सारी अकवाम मुत्तहिदा एक तरफ, ये 5 मुल्क एक तरफ। ये बहुत बड़ा इफ़ है जो आपने बताया ना, बहुत बड़ा अगर है ये वाला होने वाला, क्योंकि इनमें से एक मुल्क वो है जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशरी है खिलाफत उस्मानिया के टूटने का। ठीक है, मैं लिहाजा ये तो हम आर्जू कर सकते हैं, और मौजा सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जो हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हमारी तरफ से है, अंजाम अल्लाह की।